अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जफर खान, जेड नाउ टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। आए दिन शहर में इस तरह के वाकयात पेश आते ही जा रहे हैं कि लोग अपने ही प्यारों का साथ आखिरी सफ़र में नहीं दे रहे हैं, जबकि ये सब जानते हैं कि इस सफ़र में हर किसी को जाना है। इसी बात का ख्याल रखते हुए हैदराबाद के स्टार्स न्यूज़ एक्सप्रेस के एक्टिव रिपोर्टर ने नारी निकेतन के सोफिया माहिंस का साथ लेते हुए सिकंदराबाद रेलवे हॉस्पिटल में कोरोना की वजह से हुई एक खातून की मौत की आखिरी रसूमात को पूरा किया, जबकि इनके घर वाले ही इनके करीब आने से डर रहे थे और इनकी आखिरी रसूमात करने को आगे बढ़कर नहीं आ रहे थे। वहीं इस बात का ख्याल करते हुए स्टार्स न्यूज़ एक्सप्रेस के अब्दुल रऊफ ने नारी निकेतन NGO के सोफिया माहिन का साथ लेते हुए इनकी तमाम आखिरी रसूमात को पूरा किया। आइए इस बारे में मीडिया से बात करते हुए सोफिया माहिन ने क्या कहा है, देखते हैं। तो खोल दो इसको, खोलो आया बोल बारह बोल कर आराम से आराम से। मांझी पटकोली मांझी पटकोली पानी पानी हाँ चप्पल एम भी उठा चपे सर हास्पिटल एम भी प्रॉब्लम उंटे या बिल एक्वी तक चेयर एंटे हास्पिटल सन सन हास्पिटल खर्ची पवल 2,50,000 तक चुके అదే సార్ ₹40,000 అది పట్టుకున్నాము ఒక 2 డేస్ తర్వాత పట్టుకున్నదే మనం ఎక్కడ వరకు పట్టుకుంటామండి అలా हेलो हेलो भाई, हेलो भाई, मशीन पड़े हैं आपको भी कुछ मतलब 20 का ही हरी दगरा ही आता है पटवाला ना ओके इधर इधर किंद पे इधर इधर देख लिया। NGO नारी निकेतन रेसिडेंट भी है यहाँ पर, ये चिंतलगुड़ा कब्रिस्तान ईदगाह के सामने जो कब्रिस्तान है वहाँ पर है। हम इनको लालागुड़ा रेलवे हॉस्पिटल से लेके आए, इनको कोविड था, कोविड के डर से पब्लिक के दिल में ये इतनी एक भयानक डर बैठ जा रहा। औलाद वालदा को छीने के लिए डरी, औलाद वालदा को खाना देने के लिए डरी,
गुसल देने के लिए बाहर से लोग आए, नमाज पढ़ने के लिए, जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए बाहर से मौलवी साहब को बुलाए हम लोग। हम पब्लिक को ये मैसेज देना चाह रहे कि ये बीमारी इतनी डरावनी नहीं है जितना आप लोग ये चीज़ से परेशान हो रहे हैं, वो कोई इतना भयानक नहीं है। क्योंकि हम खुद कोविड पेशेंट को, ये दूसरा है कोविड पेशेंट जो लेडी थी उसको हम नहलाए, उसको खरीद गए, उसके गुसल दिए, उसके कपड़े बदलाए, आज तक अल्लाह के फजल करम से हम सेहतमंद है। और आप सबसे यही कहना चाह रहे, कोई भी ऐसा है तो अपने में से कोई भी आम लोग आके आगे बढ़िए, ये चीज़ की जो भी है आप लोग जिम्मेदारी लेके पूरा कब्रिस्तान तक पहुँचाइए। बहुत अफसोस हो रहा है ये देख के बीमारी के डर से इंसान इंसान औलाद माँ को कंधा देने के लिए सोच रही, इसलिए हम हर किसी से मैसेज देना चाह रहे, ये बीमारी उतनी डरावनी नहीं है जितना आप लोग उनके दिल में डर पैदा करें। हर किसी से, पब्लिक से हम ये एक मैसेज देना चाह रहे कि ये बीमारी के डर से आप अपनों से दूर मत हो जाइए। जो भी है कब्रिस्तान में आपके आलो, जो आपके पेरेंट्स है, जो भी है उनके पूरे प्रोसेस, क्योंकि ये आखिरी रहता आपके लोग, आपके वालदा अगर है तो आपके वालदा के लिए आखिरी है। जो भी आप लोग कर रहे ना, आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे, आप लोग देखिए ये बीमारी के डर से ना कोई इनको गुसल देने के लिए आ रहा, ना कब्रिस्तान में इनके खुद के लोग उतरने के लिए सोच रहे, कंधा देने के लिए। मैडम ये आपको इत्तला कहता मिली? ये सेवन एच हकीम भाई इन्फॉर्मेशन दिए थे, उनके उस पे आए हम यहाँ पर। नाज़रीन, ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जेड नाउ टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और देखते रहिए आपका अपना मनपसंद चैनल जेड नाउ टीवी। यही सच है।